आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए युवक लक्ष्य गुप्ता द्वारा निकाली जा रही साइकिल यात्रा का कस्बे के बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह 7:35 पर पहुंचने पर विकास अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह, भारत विकास परिषद के पदाधिकारी सहित नागरिकों ने तिलक एवं माला पहनाकर स्वागत किया। युवक जगह जगह पहुंचकर ग्रामीणों को 100% मतदान करने की अपील कर रहा है, वहीं भय मुक्त मतदान करने के लिए दृढ़ संकल्प कर रहा है। इस दौरान ग्राम पंचायत के बाहर गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ठंडे शीतल जल के लिए वाटर कूलर का शुभारंभ किया। लक्ष्य का कहना है कि उसको ये प्रेरणा ने दादाजी राम रतन गुप्ता से मिली है। अपनी साइकिल के माध्यम से गांव से भवानी मंडी जाया करता था। दादाजी के कहने पर उसने यह 240 किलोमीटर की यात्रा का चयन किया तथा लोकतंत्र के इस पर्व में अपना योगदान देने का प्रयास किया। कार्यक्रम में शाखा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति, सचिव तूफान सिंह नागर, गिरीश गुप्ता, गिरिराज गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, अशोक नागर, गौरव गुप्ता, यूसुफ लपात, प्रमोद गुप्ता, मनीष व्यास, प्रदीप पालीवाल, लक्ष्मी नारायण नागर, सौरभ जैन, ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, विशाल टांग आदि कई गणमान्य नागरिक शामिल थे। खबर आपकी राजस्थान से, सौरभ जैन की स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, हम लोकसभा निर्वाचन 29 अप्रैल 2019 को मनाने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि 29 अप्रैल 2019 को आप अपने घर के आवश्यक अनावश्यक कार्य छोड़कर मतदान के पहुंचे और मतदान करें और देश को एक ऊर्जावान से मतदान करने में अपनी वाइटल दर्शन आए। इस अभियान के तहत मेरा खुद का कक्षा 10वीं का छात्र उन्हें नागेश्वर से 240 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके मार्ग में आने वाले समस्त गाँव एवं राजगीरों को मतदान की योग्यता व उससे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।